और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम तो इसी परंपरा के वाहक हैं। मैं तो दोनों हाथ जोड़ करके और नारी शक्ति को सलाम करता हूं। सिर्फ उस नारी को नहीं जिसने मुझे जन्म दिया, या सिर्फ उस नारी को नहीं जिसने मुझे राखी बांधी है, या सिर्फ उस नारी को नहीं जिसे मैंने मंगलसूत्र पहनाया है, बल्कि मैं इस तमाम धरती में मौजूद उन तमाम नारियों को सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिनके कारण ये धरती धरती है। अगर आप ना हो तो ये धरती धरती नहीं रहेगी। और सबसे शुरुआत हम करेंगे एक ऐसी खबर से जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। न्यूज 11 भारत न सिर्फ आप तक सबसे तेज और सटीक खबरें पहुंचाता है, बल्कि समाज के जरूरतमंद लोगों की आवाज भी बनता है। कोनिका लायक आपको याद ही होंगी, एक ऐसी महिला निशानेबाज जिसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक राइफल की जरूरत थी, लेकिन आर्थिक मजबूरी ने कोनिका के सपनों पर पहरा लगा रखा था। न्यूज 11 भारत कोनिका की आवाज बनकर लोगों के बीच गया और आज कोनिका की मदद के लिए सैकड़ों हाथ आगे आ चुके हैं। तो देखिए रिपोर्ट और इसे मुस्कुराते हुए देखिएगा, क्योंकि बदलाव की यह तस्वीर है। दिखाइए रिपोर्ट। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, ये कहावत यूं ही नहीं गाड़ी गई होगी। हिम्मत करते हैं तो खुदा भी रास्ता दिखाता है। कम से कम धनबाद की कोनिका लायक के मामले में तो ऐसा ही हुआ, क्योंकि इस राइफल शूटर के पास जज्बा भी था, जुनून भी था, हिम्मत भी थी, उम्मीद भी थी, बस नहीं था तो राइफल खरीदने के लिए पैसा। न्यूज 11 भारत को जैसे इस बात की जानकारी मिली, हमने इस खबर को दिखाया। हम चाहते तो कोनिका की मदद भी कर सकते थे, उसे राइफल दिला भी सकते थे, लेकिन हमें एहसास कराना था सरकार को, समाज को, कि राज की खेल प्रतिभाओं के साथ आखिर ऐसा होता क्यों है। बहरहाल खबर दिखाए जाने के बाद कोनिका लायक की मदद के लिए कई हाथ आगे बढ़े, जिसकी शुरुआत हुई धनबाद के संकल्प संस्था की ओर से। इस संस्था के जरिए झरिया के व्यवसायी सुमित खेतान और उनकी पत्नी नेहा खेतान ने कोनिका को 51,000 की आर्थिक मदद दी। को ये फेसबुक में डाले थे तो इसके द्वारा मालूम चले कोनिका जी जो अनुराग नंबर रहती है। और सबसे पहला अच्छा दिन आज महिला दिवस है। सुमित जो मेरा दोस्त है, ये अपने हाथों से इनका जो 51,000 अपने तरफ से दिया गया और इनका जो भी था आज से सब खत्म हो गया है। मतलब जितना इनको जरूरत था पूरा हो गया। मैं पूरे टीम, सौरभ जी भी लगे हुए थे, सोनू जी भी लगे हुए थे, मैं हम लोग यही, कोई भी चीज़ बड़ा नहीं होता है। आज बढ़ चढ़ कोयला माफिया धनबाद में कितना बड़ा बड़ा कोयला माफिया है, कोई आगे बढ़ के आए, एक व्यवसायी बढ़ के सामने आया है। पैसा सबके पास है, दिल होना चाहिए, ठीक है। पैसा तो सब कमाता है, बोले दिल वैसा नहीं होने। आज ये अपना काम धंधा छोड़ के ये उनके वाइफ आई, इनको मदद की है, ये तो अपना काम में जा सकते थे, तो इनका दिल होना चाहिए। जरूरत थी वो तो हमें सब चीज के जरिए न्यूज हो, मीडिया हो, सबके जरिए पता चली। हम, मेरे हस्बैंड ने बताया, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया। और क्योंकि कहीं ना कहीं एक लिंक हमारा हो जाता है कुछ कि हम लोग सामाजिक तो है ही कुछ। हम जब इस चीज़ के ऊपर में फोकस करें कि जिसको ज़रूरत है उसके ऊपर ध्यान देनी चाहिए। हम लोग जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, इतना डोनेट करते हैं, पर वो डोनेशन सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है, उससे बढ़कर होता है। जिस इंसान का हमें पता है इसे मदद की ज़रूरत है, उसको मदद नहीं करते ये सोच के कि पता नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये बंदा नाटक कर रहा है, पर इनका तो साफ दिख रहा था। यहीं पर मदद करना ज़्यादा ज़रूरी है, इससे बढ़कर भगवान कोई नहीं है। भगवान धरती पे है या नहीं, यही भगवान है। कोनिका को कई समाज सेवी और उद्यमियों की ओर से सहयोग दिया गया है और अब उसके पास राइफल खरीदने भर की राशि भी इकट्ठा हो गई है। अब वो अपनी प्रैक्टिस दोबारा शुरू कर पाएगी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा भी ले पाएगी। मीडिया और समाज से मिले इस सहयोग पर कोनिका और उसके घर वाले आभार प्रकट करते हैं। अब पूरा हो चुका है और मैं नेहा मैम को और सुमित सर को और विवेक भैया, सौरभ भैया, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि मेरी इस लक्ष्य को पूरा करने में जो मेरी आर्थिक परेशानी आ रही थी उन लोगों ने बहुत मदद करके और मेरी हौसला को बढ़ाया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कोनिका के लिए इससे बड़ा तोहफा भला क्या हो सकता था कि अब वो अपने सपने पूरा कर पाएगी, अपना प्रदर्शन फिर से दोहरा पाएगी और समाज को गर्व करने के लिए फिर से कई पल दे पाएगी। न्यूज 11 भारत भी कोनिका को उसके उज्जवल भविष्य के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता है, क्योंकि कोनिका से हमारी उम्मीदें जुड़ी हैं, क्योंकि उससे हमारी उम्मीदें जुड़ी हैं। कोनिका, तुम इस पर हर हाल में खड़े उतरना,
और निशाना तो गोल्ड पर ही साधना। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से अरुण बंडवाल की रिपोर्ट।